हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। पिछले वीडियोस में अपने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे इनवर्ड्स ऑफ अ मैट्रिक्स का, तो उस पर बेस्ड ये प्रोग्रेस थ्री हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर ए, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3। वेरीफाई दैट ए एडजॉइंट ए, ए की मल्टीप्लाई हो रही है एडजॉइंट ए के साथ, वो इक्वल होगा, एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई हो रही है ए के साथ, वो भी इक्वल होगा डिटर्मिनेंट और i3 की मल्टीप्लाई के साथ। ये तीनों टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी होगी, देन उसके बाद हमें वेरीफाई करना होगा कि ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन पार्ट आप लिख लीजिए। अब इन तीनों के लिए हमारे पास हमें रिक्वायर्ड होगा एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट। ए तो हमारे पास है ही, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स थ्री ऑर्डर की तो हमें पता है, तो एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। फिर हम हर एक टर्म में उसकी मैट्रिक्स पुट करके मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या रिजल्ट रहता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। सबसे पहले एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। कोफैक्टर्स ऑफ ए में 9 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास कोफैक्टर्स भी 9 होंगे। तो अभी हमने यहाँ पे a11 एलिमेंट क्या होगा, a11 हमारे पास 1 रो और 1 कॉलम को हाइट करके आएगा। तो हाइट किया तो हमारे पास एक स्मॉल डिटर्मिनेंट बना 2x2 का। इसके बाद इसके आगे जो साइन यूज़ करना होता है वो हमें उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग करना होता है। अगर 1+1 2 आ रहा है जो कि एक इवन वैल्यू है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। अगर वो जैसे कि 1+2 3 हो गया, तो ये एक ऑड वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। देन इसके बाद इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। 0 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, माइनस, क्योंकि हम इससे पहले इन डिटर्मिनेंट को साइन असाइन करते हैं, सबसे आगे वाले को पॉजिटिव, देन उसके अगले वाले को नेगेटिव। तो 0 × 2 माइनस 5 × −1, देन सॉल्व करके हमें मिला 0+5 = 5। ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट के लिए डिटर्मिनेंट ढूंढिए। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो एलिमेंट्स आए 3, 4, 5 और 2। आगे माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि ऑड आएगा प्लस करके। देन सॉल्व करते हैं इसको, 3 × 2 होगा, आगे माइनस साइन रहेगा, देन बीच में माइनस, 5 × 4 वैल्यू आई, माइनस ब्रैकेट में 6 − 20, तो हमारे पास ये सॉल्व करके प्लस का 14 आ गया। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट के लिए भी कीजिए। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट्स हमारे पास ये आए, इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 3 और 1 के लिए साइन पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि उनके एडिशन से एक इवन वैल्यू मिलेगी जो कि 4 है। इसके बाद पहले 3 एलिमेंट्स आ गए। सेकेंड रो के लिए एलिमेंट्स फाइंड आउट कीजिए। a21 के लिए एलिमेंट्स हमारे पास आए, फिर उसके बाद वैल्यू आई 3। a22 एलिमेंट होगा, सॉल्व करके −2 आया। a23 एलिमेंट में हम आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि 2+3 का 5 होगा जो कि एक ऑड वैल्यू है, तो ऐसे हमारे पास वैल्यू आ गई −7। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे ये 6 एलिमेंट्स आ गए हैं। थर्ड रो के लिए भी एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। थर्ड रो के लिए एलिमेंट्स हमारे पास आ गए हैं। ये आपने हर एक एलिमेंट हाइड करके निकालना होगा, जैसे यहाँ पे थर्ड रो है तो थर्ड रो हाइड करेंगे एंड फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे, तो ये डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा। फिर ऐसे ये सॉल्व करके वैल्यू आ गई −10। अगले एलिमेंट्स आए −2 और 6। इसके बाद जो एलिमेंट्स आए हैं इनको आप उन्हीं पोजीशन वाइज लिख दीजिए एडजॉइंट ए की फॉर्म में, लेकिन अभी हम ट्रांसपोज करना बाकी है, क्योंकि एडजॉइंट ए इन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज कर लेते हैं एडजॉइंट, तो हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना था ए की मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ए के साथ। हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया है, तो पहली टर्म सॉल्व करते हैं। ये हमने ए मैट्रिक्स रख लिया है यहाँ पर, फिर यहाँ पे रखा है राइट में एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएगा इसके नंबर ऑफ रोज के साथ। इसका ऑर्डर 3x3 है, इसका ऑर्डर भी 3x3 है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहला रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ,
तो 1 इंटू 5 प्लस माइनस 2 इंटू 14, जितने भी आगे एलिमेंट्स आते जाएंगे उनको हम प्लस करते रहेंगे और हर एक एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होता रहेगा पोजीशन वाइज, 1 इंटू माइनस 3। ऐसे ही फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू माइनस 7। ऐसे ही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एलिमेंट्स हमने मल्टीप्लाई कर लिए हैं, ऐसे ही हम बाकियों को भी कर लेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमने इनको सॉल्व कर लिया है, 5 इंटू 1 5, माइनस 28 माइनस 3। ऐसे ही बाकियों को भी सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं, सॉल्व करने के बाद वैल्यूज आई माइनस 26 0 0 0 माइनस 26 0 0 0 एंड माइनस 26। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया। इसके बाद पहली टर्म तो हमने सॉल्व कर ली है, सेकेंड टर्म सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड टर्म है एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई होगी ए के साथ। पहले वाली टर्म में ए मैट्रिक्स आ गया था, आपके वाली टर्म में एडजॉइंट ए आ गया है। तो हमने एडजॉइंट ए मैट्रिक्स रखा है, यहाँ पर ए मैट्रिक्स रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ये आए हैं। अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद वैल्यूज आई 14 माइनस 40 माइनस 26 0 0 एंड ये डायगनली एलिमेंट्स हमारे पास दोनों ही तीनों ही सेम आए, माइनस 26 माइनस 26। तो फ्रेंड्स हमारे पास पहली टर्म की जो मैट्रिक्स थी वो सेम हो गई है सेकेंड टर्म के। अब लास्ट टर्म सॉल्व करते हैं। लास्ट टर्म सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा पहले मैट्रिक्स ए का। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले साइन असाइन कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं हाइड करने के बाद, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट्स ये आइए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ऐसे हमारे पास एक्सपैंड करने पर ये आ गए हैं डिटर्मिनेंट्स। इनको सॉल्व करते हैं। जीरो की मल्टीप्लाई होगी टू के साथ, माइनस क्योंकि ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, देन बीच में इसलिए नेगेटिव साइन। तो 5 इंटू माइनस 1, आगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। आगे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के बाद आया हमारे पास 0 प्लस 5 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 6 माइनस 20 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 0। सॉल्व करने पर वैल्यूज आई 5 माइनस 28 माइनस 3। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई माइनस 26। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू आने के बाद हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने भी डायगनल एलिमेंट्स 1 है उनके साथ माइनस 26 अगर मल्टीप्लाई हुआ तो वही सेम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब पहली दूसरी एंड तीसरी टर्म तीनों ही इक्वल हो गई हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट ए, ए मैट्रिक्स गिवन है आपको एंड बी मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई दैट ए बी का इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स मतलब ए और बी की मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसका इन्वर्स आपने फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद वो इक्वल करना है B इनवर्स डॉट A इनवर्स के, मतलब B का भी इनवर्स निकालेंगे A का भी इनवर्स निकालेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स LHS पार्ट को RHS पार्ट के इक्वल करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी हैव A एंड B मैट्रिक्स। सबसे पहले LHS पार्ट के लिए A और B की मल्टीप्लाई करनी होगी, देन A और B की मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स आएगी फिर उसके लिए हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ए मैट्रिक्स लिखिए, देन सेकेंड मैट्रिक्स, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आए 12 प्लस 2, 0 प्लस 5, 16 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0। तो वैल्यूज सॉल्व करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आई 14, 5, 16 एंड 0। ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है। हमें ए बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहला इनवर्स फाइंड आउट करने का स्टेप होता है डिटर्मिनेंट। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म में एलिमेंट्स को लिख लीजिए। इसके बाद डिटर्मिनेंट निकालेंगे 14 इंटू 0 माइनस 16 इंटू 5, वी गेट 0 माइनस 80। माइनस 80 हमारा डिटर्मिनेंट आया ए बी का। सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए बी इज पॉसिबल। देन डिटर्मिनेंट आने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने का। कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं ए बी 1 1, मतलब फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो हाइड करेंगे एंड फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे। तो हमारे पास एलिमेंट आया 0। देन सेकेंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो हाइड करेंगे एंड सेकेंड कॉलम हाइड करेंगे। फ्रेंड्स ये ऐड होकर ऑड नंबर देगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन असाइन करेंगे। तो वैल्यू हमें मिली 16, माइनस 16 वैल्यू हो गई। देन थर्ड एलिमेंट के लिए ए 2 1 होगा, ए बी 2 1 होगा। तो हमारे पास 2 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करने पर वैल्यू मिली 5। यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए लगा है क्योंकि 2 प्लस 1 3 होता है, ये एक ऑड वैल्यू है, इसलिए नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। फोर्थ एलिमेंट के लिए हमारे पास हाइड करने पर आया 14। नाउ एडजॉइंट ए बी के लिए मैट्रिक्स लिख लेंगे। एलिमेंट्स को उनकी पोजीशन वाइज लिखिएगा, ए बी 1 1 0, ए बी 1 2 माइनस 16, ए बी 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट लिखेंगे माइनस 5। तो ऐसे ही आपने एलिमेंट्स लिख लेना है। अब इन एलिमेंट्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ए बी मैट्रिक्स आ जाएगी। ट्रांसपोज करने पर हमारी रो जो है वो कॉलम बन गया है, 0 16 माइनस 16 से ये कॉलम बन गया है। ऐसे ही सेकेंड रो भी कॉलम बन गया है, माइनस 5 एंड 14। हेंस एडजॉइंट आने के बाद अब ए बी इनवर्स के लिए फॉर्मूला पुट कीजिए, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था माइनस 80। मैट्रिक्स लिख लेंगे तो ये हमारे पास ए बी इनवर्स की मैट्रिक्स आ गई है। फ्रेंड्स ए बी इनवर्स की मैट्रिक्स के बाद हमें आरएचएस साइड सॉल्व करनी होगी। आरएचएस साइड के लिए हमारे पास बी इनवर्स की ज़रूरत है और ए इनवर्स की ज़रूरत है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आरएचएस बन रहा है। तो हम ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं और बी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो ए इनवर्स के लिए ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, बी इनवर्स के लिए बी मैट्रिक्स लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिएगा क्योंकि हमें चेक करना है कि इन दोनों का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। तो चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे इस मैट्रिक्स को, 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 4, वी गेट माइनस 4 वैल्यू। तो ए की डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई माइनस 4। सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज पॉसिबल। फॉर बी इनवर्स बी मैट्रिक्स लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेगा मैट्रिक्स को, 4 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 2, वैल्यू हमें मिला डिटर्मिनेंट बी का 20। सिंस एज इट इज बी का भी इनवर्स पॉसिबल है। इसके बाद हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे ए और बी के। कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए रो एंड कॉलम हाइड करना होता है पोजिशन वाइज। ए 1 1 के लिए उसके रो एंड कॉलम हाइड करने पर हमें मिला 0। ऐसे ही 1 और 2 फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो हाइड करने पर हमें मिला माइनस 4। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि इनके एडिशन से मुझे एक ऑड वैल्यू मिलेगी। तो ऑड वैल्यू के लिए हमेशा नेगेटिव साइन यूज़ करना है। तो इसलिए हमने 1 2 में एंड 2 1 में नेगेटिव साइन असाइन कर देना है। तो एडजॉइंट है हमारे पास आया 0 माइनस 4 माइनस 1 3। अभी ट्रांसपोज करना बाकी है तो एडजॉइंट आया नहीं है। तो एडजॉइंट ए हमारे पास ट्रांसपोज करने के बाद आएगा, लेकिन एलिमेंट्स को पहले पोजीशन वाइज लिख लीजिए, 0 माइनस 4 माइनस 1 एंड 3। ट्रांसपोज करते हैं, रो कॉलम में बन जाएगा, 0 माइनस 4 से कॉलम बन गया, एज इट इज माइनस 1 एंड 3 भी कॉलम बन गया। ऐसे ही आपने कोफैक्टर्स ऑफ बी फाइंड आउट कर लेने हैं, 1 2 एंड 2 1। जो बी 1 2 एलिमेंट और 2 1 एलिमेंट होगा उसके लिए नेगेटिव साइन असाइन करेंगे।
तो ऐसे ही हाइड करने पर आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। एडजॉइन बी फाइंड आउट कीजिए, पहले मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को पुट कर दीजिए, देन ट्रांसपोज करने पर हमारे पास वैल्यू आई 5, 0, -2 and 4। अब एडजॉइंट ए आ गया है, एडजॉइंट बी आ गया है, इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों का। ए इन्वर्स के लिए फॉर्मूला होगा a/1/determinant एडजॉइंट ए, पुट कीजिए दोनों ही वैल्यूज, ऐसे ही बी इन्वर्स के भी पुट कीजिए, तो हमारे पास ए इन्वर्स और बी इन्वर्स आ गया है। अब इसके बाद आपने RHS टर्म को सॉल्व करना होगा, वो थी बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स, तो बी इन्वर्स की मल्टीप्लाई होगी ए इन्वर्स के साथ, मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो आपके पास स्केलर पार्ट है इनको साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एंड मैट्रिक्स को साथ में सॉल्व करेंगे, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं रो कॉलम वाइज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर आया माइनस का 80। सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, 0+0 हो जाएगा ये एंड ये -5+0 हो जाएगा, 0-16, 2+12। तो फ्रेंड्स हमारे पास मैट्रिक्स आई 0-5, -16 and 14, इसे भी सॉल्व करके 1/-80 हो गया। अब जो ये हमारे पास RHS टर्म आई है ये सेम हो गई है LHS पार्ट के, देयरफॉर हमने इसको वेरीफाई कर दिया है कि RHS साइड इक्वल है LHS साइड के। तो अभी हमने जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे उन्हीं की तरह कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको दो मैट्रिक्स नीचे गिवन है, फर्स्ट और सेकेंड, इसके लिए आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो आप इसके लिए डायरेक्ट ही एडजॉइंट फाइंड आउट कीजिएगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें पहले, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम तब चेक करते हैं जब हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना होता है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट ही कोफैक्टर्स निकालने के बाद फिर उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही इसी सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी आपने पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर उसके बाद ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसके लिए आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप है डिटर्मिनेंट निकालने का, आपको चेक करना है डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, चेक करेंगे तो उसके बाद आपने फिर कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, कोफैक्टर्स के बाद आप एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, देन लास्ट आपने इन्वर्स ऑफ ए के लिए फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना होगा, फिर आसे आपका इन्वर्स आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है इफ ए इक्वल्स टू दिस शो दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इन्वर्स। ए गिवन है आपको और शो करना है कि ए स्क्वायर को इक्वल होगा ए इन्वर्स के साथ, मतलब ए की दो बारी मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर आएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आपके पास आएगा वो इक्वल होगा ए इन्वर्स के साथ, तो आपने फिर इसके लिए ए इन्वर्स भी फाइंड आउट करना होगा। तो चेक कीजिएगा इसको, देन इसका दूसरा पार्ट है व्हाट इज एडजॉइंट ए। जैसे ही आप ए इन्वर्स निकालेंगे, ए इन्वर्स से पहले आपके पास एडजॉइंट ए आ जाएगा, तो वो हम आप यहाँ पे इसका उसका आंसर ये होगा। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है लेट ए, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 4a-5 आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा आपने इसके लिए पहले, देन 4a फाइंड आउट करेंगे, 4 एक स्केलर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, देन उसके बाद 5i3 निकालेगा। तो LHS पार्ट आपने पहले लिख लेना है, उसके बाद उसको सॉल्व करके नल मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना है, क्योंकि राइट साइड में हमारे पास 0 है, 0 एक नल मैट्रिक्स के लिए आपको दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स LHS साइड में पुट कर लीजिएगा सारी चीज़ें, देन सॉल्व करके आप देखेंगे कि वो एक नल मैट्रिक्स आ गया है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट है आपको ऑब्टेन करना है ए इन्वर्स, मतलब ए इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है इसका, तो वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले, फिर चेक करेंगे डिटर्मिनेंट, उसके बाद उसके कोफैक्टर्स, देन एडजॉइंट और फिर ए इन्वर्स। फ्रेंड्स फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन अंडर विच ए इज इन्वर्टिबल।
ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी? एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगी जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है। तो इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा। कैसे? ए की इंटू होगी डी के साथ, तो ए डी माइनस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वो कंडीशन हो गई। क्या होगी वो कंडीशन? ए डी माइनस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका सेकेंड पार्ट है, ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ ए। इसके लिए आपने ए इनवर्स निकालना होगा। फ्रेंड्स देखिए, ये जो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है ये वेरिएबल में गिवन है, तो आपके पास जो ए इनवर्स आएगा वो भी वेरिएबल ही फॉर्म में होगा। तो ऐसे आपने ये क्वेश्चंस कर लेने हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।